तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में या आने वाले मंथ में, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हुए हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को, यानी आज के इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले बैच के स्टूडेंट थे, जिनका एग्जाम हो चुका, वो फिलहाल पास भी हो गए अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड उनका भी आया। उस स्टूडेंट बोल रहे थे, सर जो आपने बताया था क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे भी गए थे और उसके बाद मैं अच्छे ग्रेड से पास भी हो गया। तो आई थिंक जब वो लोग ऐसा बोलते, थोड़ा मुझे मोटिवेशन फील होता है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आप टेस्ट को पूरा देखिए और मेरी यही आप लोगों से आशा है कि अगर आप पूरा टेस्ट देखेंगे, अगर डेली क्लासेस करेंगे, तो आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट में वो है, सफारी वेब ब्राउजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है और कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो सफारी जो वेब ब्राउजर वो किस कंपनी डेवलप किया, उसका क्या नाम है। नंबर एक है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर बी है गूगल, सी नंबर एप्पल, डी नंबर लेनोवो। ये आपको करेक्ट आंसर मालूम तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, एप्पल। अब एप्पल की बात आ गई तो मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। दोस्तों, जो आप लोगों का सफारी वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये एप्पल एक कंपनी है, आप लोगों को मालूम ही होगा आईफोन एप्पल, ठीक है, उसी ने सफारी एक वेब ब्राउजर है, जैसे आप लोगों का क्रोम होता है, ठीक है, एसटीयू होता है, जो कि एप्पल कंपनी ने सफारी वेब ब्राउजर को डेवलप किया है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एप्पल ने किस वेब ब्राउजर को डेवलप किया, तो वहाँ पर आपका आंसर सेलेक्ट करिएगा सफारी वेब ब्राउजर। ठीक है, आपके दो तीन क्वेश्चन इसी में क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग नंबर वन स्टाइल लगाने के लिए शॉर्टकट कीज का यूज, कौन सी शॉर्टकट कीज यूज की जाती है या किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नंबर एक है कंट्रोल प्लस टू, नंबर बी कंट्रोल प्लस वन, सी नंबर कंट्रोल प्लस एच, डी नंबर नन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, सोचेंगे कि हेडिंग की बात है तो कंट्रोल एच कर दे, तो लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन। हेडिंग आप जैसे कि ओपन करेंगे एमएस वर्ड, ठीक है, तो आपको जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको हेडिंग टू, हेडिंग वन, हेडिंग फोर, ऐसे सब पूरी आपको लिस्ट दिखेगी पाँच छः तक, ठीक है, तो आप कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप ओपन करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर है। तो एक नंबर है सुपर कंप्यूटर, बी नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी नंबर माइक्रो कंप्यूटर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप इसका आंसर मालूम होगा, सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बहुत तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है। तो एसएमटीपी आप लोगों को मालूम ही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का फुल नेम होता है। ऐसा भी कभी पूछ लिया जाता है कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर कितना होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 25। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स में किसी फाइल के प्रिंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूनिक्स में किसी फाइल को हम प्रिंट करने के लिए किस कमांड का या किस ऑप्शन का या किसके द्वारा हम प्रिंट करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो नंबर एक है पीटी, नंबर बी है डीआईवी, सी नंबर वीआर, डी नंबर है आईपीआर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर आईपीआर। दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थोड़ा आंसर मैं जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास और भी बहुत सारे काम होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी क्लासेस अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं नेक्स्ट भी अपना काम कर सकूँ, तो इसलिए मैं इसका जल्दी थोड़ा करेक्ट आंसर बता देता हूँ। और अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि कैसे क्या क्वेश्चन, फिलहाल मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आई होप आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाता होगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर एक प्रकार का होता है। नंबर एक पॉइंटिंग डिवाइस, नंबर बी प्रोसेसिंग, नंबर सी इनपुट, डी नंबर आउटपुट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीसीआर। आप लोगों को मालूम ही होगा बीसीआर, मैंने कई बार बताया है, लेकिन नहीं मालूम तो मैं बता दूं, बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ठीक है,
बारकोड रीडर लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो, बी बार सी कोड आर रीडर, ठीक है, बार कोड रीडर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा इनपुट डिवाइस। बीसीआर आप एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आपने बारकोड जो भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट होते हैं उस पर आपने लाइन लाइन देखा होगा, तो ये जो ऐसे होता नहीं, इसे ही बोलते हैं बारकोड रीडर, उस पर नंबरिंग भी रहती है, ठीक है। तो इसे एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो नंबर ए कंट्रोल प्लस एस, बी नंबर आल्ट प्लस एस, सी नंबर है F1, डी नंबर है F2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F1, सी नंबर, ठीक है। लेबर ऑफिस में जब आपको हेल्प की डायलॉग बॉक्स या टेबल ओपन करनी हो तो F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प की वो टेबल खुल जाएगी आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नंबर एक है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बी नंबर मैनेज इन्फो सीरीज, सी नंबर मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम, डी नंबर मैनेज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ए नंबर। आप कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक ही जैसे फुल फॉर्म दिखेंगे ये भी, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ लेना है, उसके बाद उसका आंसर देना। मैं पिछली कई वीडियो में यही आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो CCC का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर ऑफिस क्लर्क में कितने चार्ट होते हैं? तो नंबर एक है 8, नंबर बी 10, नंबर सी है 6, डी नंबर है 5। तो लेबर ऑफिस में जो क्लर्क यानी कि आप लोगों का एक्सेल होता है उसमें जो चार्ट की संख्या होती है वो होती है बी नंबर 10 होती है, ठीक है, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजेक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नंबर एक है पिन कोड, नंबर बी स्विफ्ट कोड, नंबर सी है बैंक कोड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है, ये GK से भी रिलेटेड, क्योंकि जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि हम इंटरनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश से जैसे कि हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या लेते देते हैं तो वहाँ पर कौन सा एक कोड होता है उसके द्वारा हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक देश से दूसरे देश से हमें पैसा मंगाना होता है तो वहाँ पर कौन सा कोड किया यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। वो होता है स्विफ्ट कोड, ऐसा भी हो सकता है SWIFT, ठीक है, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड होता है जैसे कि कोई भी जैसे गूगल कंपनी हमारी, ये गूगल जो है हमारा अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका के जो आप लोग सर्च करते हैं बहुत सारे जो अमेरिका के, तो यूट्यूब भी वहीं इसका है। तो जैसे कि इससे जो पैसा मिल, जैसे कि जो लोग अर्निंग करते हैं तो उन लोगों को पैसा आता है, ठीक है, डॉलर में। तो वो जब डॉलर में आता है तो वहाँ पर प्रोसेस होता है जहाँ पर स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक देश से दूसरे पैसा लाने के लिए वहाँ पर बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन में होने पर स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IE का पूर्ण रूप इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है? तो IE ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है, तो IE मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ए नंबर। IE समझ लीजिएगा, IE का मतलब होता है, आई का मतलब इंटरनेट, ई का मतलब एक्सप्लोरर, ठीक है। ये एक प्रकार का एक हमारा क्या होता है, ब्राउजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल फ्लोर 1209, 11 का मान 1199 होगा? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, सिमिलर ऐसा ही आता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है उसका जो मान होगा या इसका जो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, वो हो जाएगा 1199, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ट्रू, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDESDEC संस्था ने किया? तो ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि जो हमारा परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने या किस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो उसका नाम है आप लोगों को आज मालूम हो जाएगा। उस राइट आंसर तो ट्रू होगा ही, क्योंकि एक हमारी PDAC कंपनी है जिस संस्था में इसका विकास किया गया था, विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट में फाइल ट्रांसफर की जा सकती है? तो टेलनेट आप लोगों को मालूम होगा एक क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है, जो कि ये बिल्कुल फाल्स क्वेश्चन है, इसमें फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सीरीज में, इंटरनेट को रिटर्न की भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि पूछा भी जाता है कि रिटर्न की को हम किस नाम से जानते हैं और की
और किसकी के नाम से जानते हैं या इंटर की को और किसकी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर रिटर्न की को हम इंटर बी की कह सकते हैं या इंटर की को हम रिटर्न बी की कह सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल या फोल्डर नाम अधिकतम 50 करेक्टर तक हो सकता है, तो जी इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये फाइल या फोल्डर का नाम अधिकतम 50 करेक्टर तक हो सकता है। तो दोस्तों मैं अब इसका जो करेक्ट आंसर बताना चाहूँगा वो हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी या डी, यानी ट्रू या फॉल्स, आप लोगों को बताइए। 5 सेकेंड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि 50 से भी ज़्यादा इसमें हम करेक्टर किसी के फाइल फोल्डर के नाम में हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जी बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पेज में हेडर और फुटर का प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं एमएस वर्ड, तो उसमें हम हेडर और फुटर दोनों यूज कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा जब आप डबल क्लिक करते हैं टॉप पे, तो आपको हेडर और फुटर दोनों देखने को मिलेगा। एक बार ट्राई करिएगा, माउस से डबल क्लिक करिएगा एमएस वर्ड ओपन करके टॉप पे, तो वहाँ पर हेडर और फुटर आपको हाईलाइट होकर दिखेगा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी फोल्डर में असीमित फाइल सेव कर सकते हैं, तो जी आप लोगों को मालूम होगा इसका राइट आंसर, किसकी सीमा जब जितनी होगी उतना ही तो उसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं, या जिससे आपकी खाने की क्षमता 2 रोटी है तो आप 5 रोटी थोड़ी खा सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। ठीक है, असीमित फाइल नहीं रख सकते, जितनी सीमित है जितने की उसकी कैपेसिटी उतनी ही रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। आयो मालूम होगा, आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो फर्स्ट पीढ़ी में किस इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का यूज भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन ट्रांजिस्टर का यूज फर्स्ट पीढ़ी में नहीं किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर फाल्स हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।